सेना की एक टुकड़ी तैयार खड़ी है और कमांडर का आदेश मिलते ही हजारों की भीड़ पर गोली चला दी जाती है, जिसमें 9 साल का बच्चा भी मौजूद था और 80 साल का एक बुजुर्ग भी। और इस विवरण से आप समझ ही गए होंगे कि हम किस घटना की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बारे में। तो बीते कुछ दिनों पहले इस घटना को 104 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज के हम इस वीडियो में इसी घटना के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले हम जानेंगे इसमें इस पूरे नरसंहार की पृष्ठभूमि के बारे में, इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में उसमें क्या क्या हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि जनरल डायर कौन था। जनरल डायर ये वही था जिसने सेना को गोली चलाने का आदेश दिया था, तो इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि डायर के साथ क्या हुआ। इस पूरी घटना के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने डायर के साथ क्या किया, क्या एक्शन लिया। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम जानते हैं इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि के बारे में, इस पूरी घटना के बैकग्राउंड के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में रॉलेट एक्ट पेश किया जाता है। ये रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में राजद्रोह समिति की सिफारिशों के द्वारा तैयार किया गया था और भारत में पेश किया गया था। इस पूरे एक्ट के माध्यम से जो भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उस पूरे आंदोलन को, उस पूरी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो भारत में जो प्रशासन और जो ब्रिटिश सरकार थी उसको तमाम प्रकार के व्यापक प्रकार के अधिकार दिए गए। इस एक्ट में कहा गया कि जो राजनीतिक कैदियों को, मतलब ब्रिटिश सरकार या पुलिस राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकती है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जो पुलिस है वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी कारण के, और उसको हिरासत में भी रख सकती है, पुलिस कस्टडी में रख सकती है, जेल में बंद कर सकती है। तो इसी सब घटनाओं के बाद इस एक्ट के में जो जो प्रावधान थे वह जो उस समय जो आंदोलन चल रहे थे उसके लिए गंभीर साबित होने वाले थे। तो इसी सब के बाद जो उस समय के जो राष्ट्रवादी नेताओं के थे उनके मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश था और काफी नाराजगी थी, और उसी हिस्से के रूप में महात्मा गांधी जो उस समय भारत वापस आ गए थे, उन्होंने देश भर में इस कानून के खिलाफ, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन शुरू करने की बात कही। लेकिन इस अहिंसक आंदोलन शुरू होने से पूर्व, ये आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा की खबर आती है कि कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हो रही होती हैं, और पंजाब में इसकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि उस समय पंजाब के लोगों को जबरन सेना में भर्ती कराया जा रहा था ताकि वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले सके, और उस समय पंजाब जो था वह तमाम रोगों से पीड़ित था। तो पंजाब के जो लोग थे उनके मन में इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट का और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ काफी आक्रोश था। पंजाब में स्थिति इसकी और भी अधिक गंभीर हो रही थी। तो यही सब पृष्ठभूमि होती, यही सब कारण बनते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार के। अब हम जानेंगे कि जलियांवाला बाग नरसंहार में हुआ क्या था। तो इसकी शुरुआत होती है 9 अप्रैल 1919 को। इस 9 अप्रैल को जो पंजाब में जो दो नेता थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों नेता पंजाब में काफी प्रचलित थे, काफी प्रसिद्ध थे। तो इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो इन दोनों नेताओं पर ये आरोप लगाया जाता है कि ये दोनों किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, किसी सभा में भाषण दे रहे थे। लेकिन चूंकि ये सभा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जा रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो इसी सब के बाद चूंकि ये पंजाब में काफी प्रचलित थे, तो 10 अप्रैल को लोग सड़कों पर एक हिंसक घटनाओं के रूप में आते हैं और इसमें काफी लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इसी घटना के बाद, इस विरोध प्रदर्शन के बाद सर जनरल जो डायर था उसको पंजाब भेजा जाता है, उसको वो पहले जलंधर में तैनात था, उसको अमृतसर भेजा जाता है, और 11 अप्रैल को जो जनरल डायर था वह पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर देता है। मार्शल लॉ क्या होता है, इसमें 4 से अधिक लोग या 4 से अधिक जो लोग है वो बात नहीं कर सकते, एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। तो पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 यही वो दिन था, बैसाखी का दिन था, और बैसाखी को भारत के बहुत से राज्यों में एक इम्पोर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल के रूप में। ये सिख कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है। तो उसी दिन एक आम सभा का आयोजन किया गया। ये आम सभा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जा रही थी। इस आम सभा में जो रॉलेट एक्ट था उसके और जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उनके विषय पर बात की जानी थी, उस मुद्दे पर बात की जा रही थी। और इस सभा में लगभग 10 से 12 हजार लोग शामिल हुए थे अमृतसर में। तो
और उसी समय जो जनरल डायर था वह उसी समय जनरल डायर अमृतसर की सड़कों पर अपनी सेना के साथ गश्त लगाने के लिए निकलता है। और उसे सूचना मिलती है कि एक जलियांवाला बाग, मतलब ये जो स्थान था, यहाँ पर एक सभा का आयोजन हो रहा था। तो जनरल डायर उसी स्थान पर पहुंचता है और वो सभा को देखता है, और उस सभा को देखते ही 30 सेकंड के अंदर ही अपनी सेना को गोली चलाने का आदेश दे देता है। लगातार 10 मिनट तक गोली चलती है और कुल 1650 राउंड फायर किए जाते हैं। इसमें लगभग 1650 राउंड फायर कर किए जाते हैं, तो इसमें जो ब्रिटिश के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 379 लोगों की मौत होती है, लेकिन जो भारत के इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स है उसके अनुसार 1000 लोगों की मौत होती है और कई लोग घायल होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि उस सभा में 10 से 12 हजार लोग शामिल हुए थे। तो ये पूरी इस पूरे कारण था जलियांवाला बाग नरसंहार के। अब हम जानेंगे कि जो जनरल डायर है वो कौन था। तो जनरल डायर का जन्म हुआ था 1854 में, मुरी में हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान। अभी ये वर्तमान में पाकिस्तान में। तो ये आजादी के पूर्व ये भारत का हिस्सा था। इसका मतलब हुआ कि जनरल डायर एक भारतीय था, उसका जन्म भारत में हुआ था और वह जलंधर छावनी में तैनात था, फिर बाद में वो अमृतसर में आता है। और जनरल डायर के बारे में कहा जाता है कि भारतीयों के खिलाफ यह एकमात्र मामला नहीं था। मतलब जनरल जो डायर था उसकी नफरत की मानसिकता का, जो उसकी मानसिकता थी भारतीयों के खिलाफ नफरत की, उसका जलियांवाला बाग जो नरसंहार वह एकमात्र मामला नहीं था। अमृतसर की गली के संबंध में एक बार जनरल डायर ने आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति उस गली से चलता हुआ नहीं जाएगा, रेंगता हुआ जाएगा, उस गली से कोई चलता हुआ नहीं जाएगा। अब इस सब घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक एक्शन लिया। ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग का गठन किया। हंटर आयोग सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस पूरे नरसंहार की जांच के लिए गठित किया जाता है। और एक ताज्जुब की बात है कि इस रिपोर्ट में कोई विशेष बात नहीं की जाती है। जनरल डायर इसमें कहता है कि भीड़ को शांत करने का मुझे एकमात्र तरीका यही दिखा, गोली चलाने का। जबकि कई लोग मानते हैं कि इस घटना को शांत करने के लिए या इस सभा को तितर बितर करने के लिए और भी कई कारण और भी कई तरीके से किया जा सकता था। और इस आयोग ने भी जनरल डायर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और जनरल डायर को कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया कि उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया और इसमें इसको कोई भी सजा नहीं दी गई। इसके बाद जनरल डायर के साथ क्या हुआ, ये सब घटना के बाद आयोग ने भी उसको कोई विशेष बात नहीं की। तो इसके बाद आयोग ने घटना की निंदा की और उस जो पूरा ये जो गोली चलाई थी इस आदेश को गलत ठहराया, लेकिन डायर को कोई सजा नहीं दी। उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भी कुछ नहीं किया और जो उस समय जो भारतीय सेना के जो कमांडर थे उन्होंने जनरल डायर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने को कहा गया। तो उस समय जनरल डायर सेवानिवृत्ति लेता है और ब्रिटेन वापस जाता है। तो घर वापसी पर भी जब वो ब्रिटेन जाता है तो उसको काफी सम्मान मिलता है और उधर उसको काफी एक हीरो की तरह पेश किया जाता है और उसके समर्थन में पूरे ब्रिटेन में समर्थन में एक फंड का गठन किया जाता है। इस पूरे फंड में पूरे जो एक राशि एकत्रित की जाती है, एक राशि गठित की जाती है, वो कुल होती है उस समय के हिसाब से 26,000 पाउंड इसको हम यदि जो वर्तमान के में कैलकुलेट करें या इसे हम जो वर्तमान में इसकी राशि निकाले तो ये करीब 40 करोड़ के आसपास होती है ये राशि दी जाती है जनरल डायर को। तो यही सब पूरा मामला था, यही सब पूरे कारण थे, यही उसका अंजाम हुआ पूरे जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में। थैंक यू।